नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मोजेक वाटर प्लांट होते हैं उसकी केयर कैसे करें और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये मोजेक प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जो कि पानी की ऊपरी सतह पर यह तैरते रहता है और यह बहुत ही अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, यह ऐसा प्लांट है कि जो आपके पूरे जो सतह होते हैं, जो पॉन्ड के सतह, जो आपके पॉन्ड होते हैं, वो आप अपने गमले में भी बना सकते हैं, अपने बड़े टब में भी बना सकते हैं, तो उसकी पूरी सतह को ये ढका रहता है और जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है यह प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो मोज़ेक प्लांट होते हैं वो बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और यह प्लांट हमारे जो पॉन्ड होते हैं उसकी ऊपरी सतह पर ही रहता है। जो इसका हाइट है फ्रेंड्स, वो बढ़ता नहीं है, बस जो आपके ऊपरी सतह जो है पानी के, बस उसी पे रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है, ये मोज़ेक प्लांट, यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है और इस प्लांट का जो साइज़ है फ्रेंड्स, 2 से 3 इंच के गोलाई में ही होता है और यह प्लांट देखने में एक डायमंड शेप जैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी जो प्लांट हैं ये सभी डायमंड शेप में होते हैं और इस प्लांट्स का कलर जो होते हैं फ्रेंड्स, वो गहरे हरे रंग का और इसमें लाल रंग का जो है साइड साइड में शेड होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और इसमें समर के टाइम में फ्लावरिंग भी आते हैं फ्रेंड्स, जो पीले रंग का फ्लावर, जो येलो कलर के फ्लावर होते हैं इसमें आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं इस पॉन्ड में देखने में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो मोज़ेक प्लांट होते हैं उसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो बताना चाहूँगा कि ये जो मोज़ेक प्लांट होते हैं आप इसे अपने पॉन्ड में लगा सकते हैं। जैसे कि आपके गार्डन में एक छोटा पॉन्ड होता है, आप उसमें भी लगा सकते हैं और आप इसे टब में और जो बड़े साइज के पॉट होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, जिसे लगाना बहुत ही आसान है। आप इसके जो हैं स्टेम को कट कर लेंगे, जैसे कि ये जो ब्रांचेज हैं नए नए जो आ रहे हैं, आप अगर यहाँ से कट कर देंगे और इसे जो है क्ले सोइल, जो कि कुम्हार की मिट्टी होती है, आप उसमें डायरेक्ट लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा और इसकी केयर भी आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि यह वाटर प्लांट है तो आप इसमें जो है फर्टिलाइज़र देने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी और यह प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और यह हमेशा जो है आपके गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो मोज़ेक प्लांट होते हैं हम इसे कितनी गहराई में लगा सकते हैं, क्योंकि इसे लगाना जो होता है, इसे हम पानी में लगाते हैं तो इसे लगाने के लिए हमें कितनी गहराई की आवश्यकता होती है, तो बताना चाहूँगा कि जो आप इसे 5 इंच से लेके 10 इंच की गहराई तक लगा सकते हैं। आप अगर इसे ज़्यादा गहराई तक लगाएंगे तो इसका लेंथ ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और यह जो प्लांट है अच्छे ग्रोथ नहीं करेंगे। तो बताना चाहूँगा कि आप इसे जब भी लगाएं तो 5 से लेके 10 इंच तक के लेंथ में ही लगाएं, जो इसके ग्रोथ हैं बहुत ही अच्छा रहेंगे और ये हमेशा ही ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो मोज़ेक प्लांट होते हैं उसे हम कहाँ पर रखें जिससे कि इसका ग्रोथ और यह बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, तो बताना चाहूँगा कि इसे आप फुल सनलाइट में ही रखें जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहे और यह जो है प्लांट्स बहुत ही अच्छा और हरा भरा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो मोज़ेक प्लांट होते हैं इसमें कभी कभी जो होते हैं कि इसमें वाटर में कभी कीड़े लग जाते हैं, जो वाटर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं। तो बताना चाहूँगा कि जो मैं अपने जो मोज़ेक के प्लांट हैं उसके जो पानी है वो मैं पानी को वीक में एक बार चेंज कर देता हूँ, जिससे कि जो इसमें छोटे छोटे जो कीड़े पनपते हैं, जो लार्वे होते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे और जो आपके प्लांट्स हैं और जो आपका जो गार्डन है बहुत ही अच्छा रहेगा और आप भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी एक यूनिक लुक दें अपने स्मॉल पॉन्ड को, इस मोज़ेक प्लांट को अपने घर में लगाकर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।